चीन के बारे में एक कहावत मशहूर है, यहाँ टेबल कुर्सी को छोड़कर हर चार पैर वाली चीज खाई जाती है। यहाँ चीन में कई ऐसी चीजें भी होती हैं जो और कहीं नहीं होती। चाइना नकली माल बेचने में भी सबसे आगे है। भारत चीन से कुछ वस्तुएं लेता है, लेकिन कई बार इन वस्तुओं के नकली होने के कारण इन पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। चाइना में चाइनीज फूड सेलर्स नकली मटन को असली बताकर बेच देते हैं। दोस्तों, चाइना की इन चीज़ों को देखते हुए भारत में भी बहुत से व्यापारी लोगों की हेल्थ से खेल रहे हैं, जिसके लिए आपको सतर्क होना जरूरी है। तो आइए जानते हैं चाइना की धोखेधड़ी करने वाली करतूतों को, जिनसे इंस्पायर होकर भारत के लोग ये काली करतूतें सीख रहे हैं। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कम से कम एक बार चाउमीन तो खाई ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में जानवरों को खिलाने लायक सड़े और फफूंद लगे अनाज में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाकर राइस नूडल्स बनाया जाता है? यह राइस नूडल्स खाना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। चीन के लोग सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े और अजीबोगरीब जानवरों का मांस खाने का शौक रखते हैं, और इन सब का फ़ायदा उठाकर चाइना के व्यापारी ऊद बिलाब, चूहे और लोमड़ी के मांस को मटन बताकर लोगों को बेच देते हैं। लोग ऊद बिलाब, चूहे और लोमड़ी का मांस का टेस्ट पहचान ना पाएं, इसके लिए उनके मांस में जिलेटिन, नाइट्रेट और लाल रंग मिलाकर बेच दिया जाता है। और तो और, चीन में बेची जाने वाली आधी से अधिक शराब नकली होती है। लोगों को असली और नकली मांस में पहचान कराने के लिए चाइना की पुलिस ने सोशल नेटवर्किंग साइट वीबो पर कुछ वीडियो ट्यूटोरियल भी जारी किए हैं। चीन के गुआंगझी प्रांत के यूलिन शहर में हर साल जून में डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे चीन में 1 से 2 करोड़ डॉग हर साल मार दिए जाते हैं। अकेले मीट फेस्टिवल में ही 10,000 से ज़्यादा कुत्ते मार दिए जाते हैं। चीन में शहद भी नकली बनाकर बेचा जाता है, और यह 1 किलो नकदी शहद मात्र 100 रुपये में तैयार हो जाता है, फिर बाद में इसे मार्केट में 600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। क्या आप जानते हैं क्लेन पेट्रोल क्या होता है? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। यह एक किस्म का पाउडर होता है जो चर्बी को कम कर देता है। चाइना में सुअरों के मीट में यह पाउडर मिलाकर बेचा जाता है। इस पाउडर का नुकसान यह है कि इसको खाने से मनुष्य में दिल की बीमारी होने की समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं, जो आगे जाकर बहुत भयानक रूप ले लेती हैं। 1980 से पहले सभी मीट कंपनियां इस पाउडर का जमकर प्रयोग करती थीं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए सरकार ने सन 2002 में इस पाउडर पर बैन लगा दिया। चीन की हैनान स्वांगुई इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी का नाम चीन की सबसे बड़ी मीट प्रोसेसर कंपनी में गिना जाता है, और ये कंपनी क्लेन पेट्रोल पाउडर सुअरों को खिलाने के मामले में बुरी तरह फंसी हुई है। चीन में यह पाउडर मिला मीट खाने से करीब 1700 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप सोशल साइट्स पर एक्टिव रहते हैं तो आपने चाइना के प्लास्टिक से बने चावल के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि भारत में भी पाए गए हैं। नकली चीज़ें बनाने में चीन इतना आगे निकल चुका है कि इसने चावल भी नकली बना लिए हैं। चीन में बने इन नकली चावलों को प्लास्टिक राइस भी कहा जाता है, और ये चावल शकरकंद, आलू और सिंथेटिक रेजिन को मिलाकर बनाया जाता है। यह चावल पकने के बाद भी मुलायम नहीं होता, और इसे खाने से कई लोग बीमार हो चुके हैं। लेकिन चाइना की सरकार की लापरवाही के कारण आज भी यह चावल चीन में सांगसी प्रोविंस के ताइयुआन लोगों को खुलेआम बेचा जा रहा है। एक बाइनल प्लास्टिक बैग को बनाने में 3 कटोरी प्लास्टिक लगता है। इसका अर्थ यह है, अगर आपने 3 कटोरी नकली राइस खा लिया तो आप एक बैग बाइनल प्लास्टिक खा चुके हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि यह चावल खाना कितना खतरनाक है। चीन में हर साल 10 मिलियन टन चावल बेचा जाता है, जिसमें से लगभग 5 मिलियन टन चावल नकली होता है। यहां वर्जिन लड़कों के यूरिन में अंडे उबालकर खाए जाते हैं। चीन में ये ट्रेंड हजारों सालों से चला आ रहा है। इसके लिए लोकल स्कूलों से यूरिन इकट्ठा किया जाता है। मान्यता है कि इन अंडों को खाने से कमर, पैरों और ज्वाइंट्स में दर्द नहीं होता, साथ ही इंसान दिन भर एनर्जेटिक बना रहता है। इसके अलावा यहाँ कॉकरोच, चूहे, कुत्ते और मगरमच्छ तक खाए जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।